हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी सी बेबी सूट्स लेकर आई हूँ। आप इसे सॉक्स या बूटीज कुछ भी कह सकते हैं। बहुत ही प्यारी है, बहुत इजी है। तो इसको जो मैं बना रही हूँ, ये मैं साइज़ बता दूँ आप लोग को, तो ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 मंथ के बच्चे को आराम से आ जाएगा, यानी 0 से 3 मंथ। अब इस के लिए हमने देखिए यहाँ पे टोटल 40 फंदे लिए हैं। 3 प्लाई का ऊन लिया है, 9 नंबर की हमने यहाँ पे सलाई यूज की है। अगर आप लोग बेबी ऊन लेंगे तो 10 नंबर की सलाई यूज करेंगे और यहाँ पे 44 फंदे डालेंगे। ठीक, मैंने यहाँ पे 40 फंदे डाले हैं क्योंकि ये हमारी ऊन 3 प्लाई की है, मोटी है, और मोटी सलाई भी हमने यूज किया है। तो यहाँ पे 40 फंदे डालने के बाद दोनों साइड से हमने देखिए ये उल्टा उल्टा बना के यहाँ पे 4 लाइन कम्प्लीट किया है। 3 लाइन देखिए, इसको आप काउंट नहीं करेंगे जो फंदे जहाँ से डाले हैं। यहाँ पे देखिए 3 लाइन हमने ये बना के कंप्लीट किया है, 1 2 3, यानी दोनों साइड से मिला के हम यहाँ पे 6 सलाई बुने हैं, तो 3 लाइन बन गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रिब बॉर्डर बनाना है उल्टे सीधे की। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा यहाँ पर हम सीधा कैसे बनाएंगे। ठीक, पहली सिलाई तो वैसे ही नॉर्मल बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टे की। ठीक, एक उल्टा, पूरी रो हमने ऐसे ही बनाना है। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। तो ये वाली लाइन हमने ऐसे ही बनानी है, फिर मैं पीछे की साइड आके आप लोग को दिखाती हूँ। अब देखिए एक सिलाई हमने बना के कंप्लीट किया, एक उल्टे एक सीधे की। अब आपको इस साइड थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमने उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बनाना है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे पहला फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा सीधा फंदा जो है, ये देखिए जो सीधा फंदा है इसको हम देखिए यहाँ नीचे से बनाएंगे। ठीक, इसमें से आपको नहीं बनाना है, इसके नीचे वाले ये देखिए फंदे में डाल के हम इसको बुनेंगे ऐसे, धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर से धागे को पीछे ले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऐसे आपको नहीं बुनना है, जस्ट इसके नीचे वाले देखिए आप लोग को दिख रहा है ये जो जाली बनी है इसमें हम ऐसे बनाएंगे। तो ये बॉर्डर जो अभी बनेगा देखिएगा बहुत उभर के आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसे देखिए ये सीधा है, इसको ऐसे बनाएंगे, आप लोग उल्टा फिर से धागे को पीछे, ओके सीधा है तो इसको हमने ये देखिए ऐसे बनाएंगे, धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, फिर से यहाँ से वैसे ही हमें ये बनाना है दोनों साइड से उल्टे पुल्टा और सीधे पे सीधा ऐसे ही हम बनाएंगे। देखिए तो दोनों साइड से आपको ऐसे ऐसे ये बना के कंप्लीट करना है। टोटल हमने ये रो भी 6 रो बनाना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 लाइन थी, लेकिन ये वाली लाइन जो हमने 6 लाइन बनाना है। तो ऐसे ही आपको उल्टे पुल्टा सीधे पे सीधा बनाना है दोनों साइड से, लेकिन सीधा जब हम बनाएंगे तो एक जाली नीचे से बनाएंगे। ठीक, जैसे एक बार और आप लोग देख लीजिए, ये जैसे देखिए हमारा सीधा है, हम इस फंदे में नहीं बनाएंगे, जस्ट इसके नीचे जैसे एक जाली सा बना रहेगा उसमें ऐसे बना देंगे, धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे ये वाला फंदा,
चलिए बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डिज़ाइन जो बनाई है, ये छः देखिए आपका गिन के आएगा। जब आप काउंट करेंगे ध्यान से देखिए आप लोग, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 आपका ये आना चाहिए। देखिए दोनों साइड से सेम एक ही जैसे ये बॉर्डर बना है, रिब बॉर्डर, बहुत ही प्यारी लग रही। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारे ये 40 फंदे हैं, तो इनको अब हम देखिए सीधे की साइड है, यहाँ पे हम देखिए 10 फंदे उल्टा उल्टा बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। अब देखिए 10 फंदे हमने यहाँ पे उल्टा बनाया, 10 फंदे इस साइड भी हम उल्टा बनाएंगे, 20 फंदा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 40 फंदा है, तो 20 फंदा हमने सेंटर में रखना है, ठीक है। 10-10 हमने फंदे साइड में रखना है, 20 फंदे हम सेंटर में रखेंगे। अब देखिए 20 फंदे का हमने क्या करना है, 2 का 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। अब यहाँ पे देखिए हम 2 फंदे को एक साथ बनाएंगे, फिर देखिए 1 बार बुना, 2 बार 2 का 1 किया, 10 बार आपको करना है, 20 फंदा हो जाएगा हमारा, अरे सॉरी 20 का 10 फंदे हो जाएगा। देखिए अब देखिए हमारे इस साइड कितना फंदा है, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और हम करेंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हमारा इस साइड हमने 10 फंदे उल्टे उल्टे बनाए, फिर 20 फंदे का हमने देखिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फिर 1, 2, 3, 4, 5 10 फंदे हो गए बीच में, 20 के ठीक 2 का 1 किया। अब ये जो बचे हुए फंदे हमारे हैं, इनको हम 10 फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे, एक एक करते हुए हमने सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना लेना है। अब आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि 40 फंदे को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, 10 इस साइड 10 इस साइड, सेंटर में 20 फंदे, तो सेंटर में जो हमारे 20 फंदे थे उनको हमने 2 का 1 2 का 1 किया, तो 10 फंदे बच गए, ठीक। अब हम बैक साइड आ गए, पहले फंदे को उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम 9 फंदे इसको लेके 10 फंदे, ठीक है। अब देखिए 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। देखिए 10 फंदे हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लिया। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, 10 फंदे उल्टा उल्टा बनाने के बाद अब इन 10 फंदे को हमने देखिए कैसे बनाना है, 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, ठीक। इन 10 फंदों में से 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर सॉरी 1 फंदा बनाएंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5 एक फंदा बनाया, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। बहुत इजी है, जैसे जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ आप ऐसे ही बनाएंगे, बहुत अच्छे से आपकी डिज़ाइन बन जाएगी। पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए, इसीलिए। अब देखिए हमारी ये डिज़ाइन कुछ इतनी बन के आ गई है।
आगे की साइड से हमने सभी फंदे को क्या करना है, सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी फंदे को हमने घटाना नहीं है, ठीक है। अब सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। पहले फंदे को ऐसे उतारा, बाकी के फंदे को हम देखिए ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। जितने भी फंदे बचे हैं, एक एक दो फंदे कम ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए हमने सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना लिया। जल्दी बना लेते हैं। आप लोग को बता दिया है कि सभी फंदे को उल्टा बना लेंगे, इसलिए मैं जल्दी बुन रही हूँ, ठीक। देखिए अब आ गए हम पीछे की साइड। पीछे की साइड से क्या करना है आपको, सभी फंदे को यहाँ पे बंद करना है, दो का एक दो का एक। फंदे को आपने ज़्यादा ना टाइट बंद करना है ना ज़्यादा लूज। देखिए इस फंदे को इस पीछे की साइड से बंद करेंगे तो आगे की साइड बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि फंदे हम कैसे बंद कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इसे बड़ी साइज में बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें कि आप लोग कितने साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग अंगूठे वाला सॉक्स, लेडीज सॉक्स बनाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आके आप लोग को बताऊं, अच्छे से समझाऊं, लाइव वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी रात के 11 बजे से 12 बजे तक एक घंटा लाइव करने की, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको धागे को कट कर लेना है। देखिए कितनी प्यारी हमारी ये बन के आई है। अब ये जो धागा है हमने इसको लंबा कट करना है, क्योंकि हमने इसी धागे से सिलाई करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी सिलाई करनी है, तो इसको देखेंगे धागे को लंबा कट करके सुई को इंसर्ट कर लिया। अब इसको हम उल्टा करेंगे और यहाँ से हम इसकी नॉर्मल सिलाई दोनों चैन को लेते हुए करेंगे। ये देखिए तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक सिलाई करेंगे। यहाँ पे इतनी दूर हमने सिलाई गोलाई में करनी है, तो चलिए इतना करके फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए हमने इतनी सिलाई कर ली। ये सेंटर का, अरे सॉरी, जो बीच का हमारा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ का बचा है, इसको हमने गोलाई में सिलाई करनी है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सामने से इस जगह पे। अब देखिए इसको हमने कैसे सिलना है, एक एक चैन में आप ऐसे सुई को डालते जाएंगे। ये देखिए
ये देखिए, अब इसको आपने ऐसे धीरे से खींच लेना है। देखिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे खींच के बंद किया, तो ये हमारी गोलाई में आ गई। और यहाँ पे अब हम इसको लॉक कर देंगे, 2 से 3 बार इसकी हमने यहाँ पे सिलाई करके इसको लॉक कर लेना है। धागे को कट करके फिर मैं आप लोग को सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बन के आया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सीधा करके एक यहाँ पे हमने बो लगा दिया। ये बो हमारा रेडीमेड है, क्लिप का था, तो ये ऐसे पड़ा था, तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे लगा दी हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इसका। ये देखिए बैक साइड है, इसका सोल है और ये इसका फ्रंट साइड है। तो आप लोग ऐसे ही बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।